Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. तकरीबन एक चौथाई कैनेडियंस कीमतों में इजाफे की वजह से कम खाना खाते हैं। एक नई सर्वे रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 में से 1 कैनेडियन ने मार्च 2020 और मार्च 2022 के दरमियान कम से कम एक बार भूखे रहने की इत्तला दी। फायरिंग करने की धमकी देने पर नौजवान कैनेडियन शहरी गिरफ्तार। पिस्तौल भी बरामद कर ली गई। नाबालिग होने के नाते मुलजिम का नाम जाहिर नहीं किया जा रहा। एनवायरमेंट कनाडा ने नई पेशगोई कर दी। कहा टोरंटो और इर्द गिर्द के इलाकों में मूसलाधार और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। ग्रेटर टोरंटो एरिया में मौजूदा औसत दर्ज हरारत 20 डिग्री के निशान से नीचे है। अमेरिका में बिजली बहरान का खतरा मंडराने लगा। कैलिफोर्निया, टेक्सास और एरिजोना समेत कई अमरीकी रियासतों में बिजली बंदिश के खदशा पैदा हो गए। एतमाद का वोट हासिल करने के बाद बरतानवी वजीर आजम का पहला बयान सामने आ गया। बोरिस जॉनसन को मुतअद्दिद स्कैंडल्स के बाद अपनी ही पार्टी की जानिब से अदम एतमाद के वोट का सामना करना पड़ा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेजिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रेकर्ड शकील आलम को 416-727-1624 पर जरूर रब्ता कीजिए। तकरीबन एक चौथाई कैनेडियंस कीमतों में इजाफे की वजह से कम खाना खाते हैं। एक नई सर्वे रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 में से 1 कैनेडियन ने मार्च 2020 और मार्च 2022 के दरमियान कम से कम एक बार भूखे रहने की इत्तला दी। एक नए सर्वे से पता चलता है कि कैनेडियन की बढ़ती हुई तादाद खुराक की बढ़ती हुई कीमतों के साथ जद्दोजहद कर रही है, क्योंकि पास्ता, रोटी और गोश्त जैसी बुनियादी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। फूड बैंक्स कनाडा के सर्वे से जाहिर होता है कि मुल्क भर में भूख और गजाई अदम तहफ़ में इजाफा हो रहा है। कम आमदनी वाले कैनेडियन महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासर हैं। फूड बैंक्स कनाडा के CEO क्रिस्टन बेल्डस्ले ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह सुनना वाकई मुश्किल है कि इस मुल्क में कितने लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने महसूस किया कि 5 में से 1 कैनेडियन पिछले 2 सालों में भूखा रहने की इत्तला देता है। मेन स्ट्रीट रिसर्च के जरिए किए गए सर्वे में मालूम हुआ कि तकरीबन 1/4 कैनेडियंस ने अपनी ज़रूरत से कम खाने की इत्तला दी है, क्योंकि खाने के लिए काफ़ी रकम न थी। ये आदाद शुमार जो कि सालाना $50,000 से कम कमाने वालों के लिए तकरीबन दुगने हैं। कैनेडियन हमें बता रहे हैं कि रिहाइश, गैस, तवानाई और खुराक के बढ़ते हुए अखराजात की वजह से उनके पास खाने के लिए पैसे खत्म हो रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स कनाडा का कहना है कि सार्फीन ने अप्रैल में स्टोर्स पर खाने के लिए 1 साल पहले के मुकाबले में 9.7% ज्यादा अदायगी की, जो सितंबर 1981 के बाद सबसे बड़ा इजाफा है। वफाकी एजेंसी का कहना है कि पास्ता की कीमतों में साल बा साल 19.6% इजाफा हुआ, अनाज की मसनूआत में 13.9%, रोटी की कीमतों में 12.2% और ताज़ा फलों की कीमतों में 10% इजाफा हुआ। पुलिस का कहना है कि कनाडा में एक 17 साल नौजवान को फ्लोरिडा में प्राइड इवेंट में बड़े पैमाने पर फायरिंग करने की धमकी देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस ने फायरिंग करने की धमकी देने के इल्जाम में एक नौजवान कैनेडियन शहरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि कनाडा में एक 17 साल नौजवान को फ्लोरिडा में प्राइड इवेंट में बड़े पैमाने पर फायरिंग करने की धमकी देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। वेस्ट पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक नौजवान को बैनुल अक्वामी तहकीकात के बाद गिरफ्तार किया गया,
जिसमें टोरंटो और पील रीजनल पुलिस के साथ साथ FBI भी शामिल थी। मुबैना तौर पर यह नौजवान वीडियो चैट साइट ओमेगल पर था और उसने शहर के वस्त में वाकया वेस्ट पाम बीच में प्राइड ऑन दी ब्लॉक के प्रोग्राम में लोगों को गोली मारने की धमकी देते हुए एक हैंड गन उठा रखी थी। फ्लोरिडा पुलिस का कहना है कि वीडियो में नजर आने वाली बंदूक ऑन्टेरियो में गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुई थी। तवक्को है कि पुलिस गिरफ्तार नौजवान को अमरीका के हवाले करने की कोशिश करेगी, जहां इल्जामात अभी जेरे इल्तवा हैं। नाबालिग होने के नाते मुलजिम का नाम नहीं बताया जा रहा है। वेस्ट पाम बीच के डिप्टी पुलिस चीफ रैक मॉर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि लोग बहुत खौफजदा हो गए थे। वाज़ेह रहे कि जून 2016 में ऑरलैंडो में हम जिंस परस्तों के नाइट क्लब प्लस में एक बंदूक बरदार ने 49 अफराद को हलाक और 53 को जख्मी कर दिया था। कनाडा में मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई की है कि बारिश की मकदार कुल 25 से 50 मिलीमीटर मुतवक्के है और गरज चमक के साथ आने वाले इलाकों में इससे भी ज्यादा हो सकती है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। एनवायरमेंट कनाडा ने टोरंटो और आसपास के इलाकों के लिए मुमकिन तौर पर मूसलाधार और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। एजेंसी ने एक न्यूज रिलीज में कहा कि बारिश पीर की रात से शुरू होगी और कम से कम मंगल की शाम तक जारी रहेगी। एनवायरमेंट कनाडा ने कहा कि बारिश और वक्फे से गरज चमक के साथ तूफान पूरे मुल्क में मुंतकिल होने की तवक्को है, जबकि बारिश की मकदार कुल 25 से 50 मिलीमीटर पड़ सकती है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से मौसम के खसूसी बयान के तहत दीगर इलाकों में हैमिल्टन, हॉल्टन और पील के इलाके, नियाग्रा, नेसियार और डरहम के इलाके शामिल हैं। ग्रेटर टोरंटो एरिया में मौजूदा औसत दर्जा हरारत 20 डिग्री के निशान से नीचे मंडला रहा है। बिजली बहरान के बढ़ते खदशात के पेश नज़र अमरीकी सदर जो बाइडन ने हंगामी इकदाम किया है, जिसके तहत जनूबी मशरकी एशियाई मुल्कों से सोलर पैनल की दरामद पर टैरिफ में 2 साल की छूट दे दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से सुपर पावर अमेरिका में भी बिजली बहरान का खदशा पैदा हो गया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक कैलिफोर्निया, टेक्सास, आर्कनसास और एरिजोना समेत कई अमरीकी रियासतों में बिजली बंदिश के खदशात पैदा हो गए हैं। बिजली बहरान के बढ़ते खदशात के पेश नज़र अमरीकी सदर जो बाइडन ने हंगामी इकदाम किया है, जिसके तहत जनूब मशरकी एशियाई मुल्कों से सोलर पैनल की दरामद पर टैरिफ में 2 साल की छूट दे दी है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने उनके खिलाफ अदम एतमाद की नाकामी पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि अरकीन पार्लियामेंट ने मुतासिर कुन और हतमी फैसला दे दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अब हुकूमत चाहती है कि सब मिलकर आगे बढ़े, ये नतीजा सियासत और मुल्क के लिए अच्छा है। एतमाद के हवाले से साथियों ने 2019 से भी बड़ा मैंडेट दिया। उनका कहना था के एतमाद का वोट हासिल करने के बाद फौरी इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं, मईशत को मजबूत करने का मौका मिला है, अपने एजेंडे को जारी रखेंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर सर क्लेयर स्टार्मर ने कहा कि हुक्मरान जमात के पास अवामी मसाइल का कोई हल नहीं, मुनकसिम कंजर्वेटिव पार्टी बोरिस जॉनसन का सहारा बनी हुई है। उनका कहना था कि लेबर पार्टी महंगाई, सियासत और आवाम के एतमाद की बहाली के लिए मुत्तहिद है। लेबर पार्टी ही मुल्क को दोबारा सही रास्ते पर वापस ला सकती है। कंजर्वेटिव पार्टी की 1922 कमेटी के सरबरा ग्राहम ब्रीडी ने नतीजे का ऐलान किया, जिसके मुताबिक 359 में से 211 अरकान ने उनके हक में जबकि 148 ने उनकी मुखालफत में वोट दिए। वाज़ेह रहे कि बोरिस जॉनसन को ओहदे से हटाने के लिए 180 कंजर्वेटिव अरकीन पार्लियामेंट के वोट दरकार थे। टैग टीवी के न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैग टीवी।